नमस्कार। यूपी मिश्रा का आज अंतिम कड़ी बोल रहा हूँ, कुंभ और मीन का। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स एज पर ऑनरशिप आज लास्ट कड़ी है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि एक एक राशि का जो मैंने बताया हूँ ना, एक ऊपर में बना लीजिए मेष का, वृषभ का, मिथुन का, कर्क का, और नीचे में लिख दीजिए शुभ, अशुभ और न्यूट्रल। ये एक सिस्टम बना लीजिए। ये जो टिप दे रहा हूँ बहुत बड़ा है। अब अभिमान में सब लोग जानते हैं कि मुझे सब मालूम है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऋषियों ने जो लिखा है जो हमारे तर्क से ऊपर है, यदि हमको वो गलत भी लगता हुआ आर्गुमेंट के हिसाब से, तब भी मान लेना है कि जो ऋषि बिना इंस्ट्रूमेंट के जो ये दूरी पता लगाए कि पृथ्वी से सूरज कितना दूर है और दूसरे ग्रह कितना दूर है, वो उनका कैलकुलेशन और सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड नॉलेज वाज रियली समथिंग विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। तो उनके कही हुई चीज़ें, बताई हुई चीज़ें गलत नहीं होगी, ऐसा मानकर ही चलना चाहिए। और अपने क्षुद्र बुद्धि को तर्क से इतना मत डाल दीजिए कि आप अजय लगें कि अभिमान से आप पूरी तरह अभी रावण हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब आपको फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजी का पहला चीज़ है पोलाइटनेस एंड ईजी रूल फर्स्ट, डिफिकल्ट पोर्शंस एट द लास्ट। एंड जो सिद्धांत है, सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, हर सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। एंड सर्टेन रूल्स आर देयर कि केंद्र में, केंद्र का मालिक यदि पापक ग्रह है तो पाप खो देता है, शुभ ग्रह यदि केंद्र के मालिक हैं तो वो अशुभ हो जाते हैं। एक घर एक केंद्र का भी मालिक होगा तो वो खो देगा। फिर अपने दूसरे नंबर को देखेगा, दूसरा नंबर भी यदि केंद्र में ही पड़ता है तो वो अशुभ हो गया। तो ऐसे बहुत सारा रूल हैं जो आपको धीरे धीरे आत्मसात कर लेना पड़ेगा। और ये मान के चलिए ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है, दिस इज ए ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है, दिस ट्रेंगल एंड दिस ट्रेंगल, लगना, ये लगना वाला ट्रेंगल है, ये तीनों टॉप क्लास होते हैं, इसको मान के चलिए। कभी कभी अपवाद स्वरूप ये भी खराब हो जाते हैं, अपवाद के कारण ये भी खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप है, जैसे हमने कल बताया था ना कि यदि कोई ऐसा ग्रह है जैसे बृहस्पति है और पंचम भाव में है, तो कारको भाव नासाय के कारण उसका धन जन संतान सब का सुख उसका जीरो हो जाएगा, ऐसा होता है। लग्न में यदि गुरु है तो शरीर को बहुत कष्ट, बढ़िया मत सोचिए, कष्ट होगा ही, गुरु को जीव बोलते हैं, तो शरीर के अंदर में जो चेतना है, जो जीव है, जो एक्शन में है, जिसके कारण हमारा शरीर चलता फिरता है, वो जीव कष्ट पाएगा। कारको भाव नाश आए, गुरु यदि प्रथम भाव का कारक है तो उसको वो नष्ट करेगा। कारण की छह ग्रह तो अशुभ ही होते हैं। तो ये सब जो एक बेसिक बात मैं बोलता हूँ उसको जरूर याद कर लीजिए, एंड यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू। कुंभ लग्न की बात बोलता हूँ, ये यहाँ पर कुंभ लग्न में 11 नंबर बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। यदि कुंभ लग्न की कुंडली है तो आप एकदम अंदाज कर लीजिए कि ये व्यक्ति, इस पर भगवान शनि सदैव प्रसन्न रहेंगे, इसको सब ग्रह कष्ट दे सकते हैं, 8 के 8 ग्रह कष्ट दे सकते हैं, शनि नहीं देंगे। शनि यदि थप्पड़ भी मारेंगे तो दुलार से मारेंगे, सहला के मारेंगे कि चोट ना लगे, सिर्फ दंड दूं, डरे लेकिन कष्ट नहीं देंगे। उसका मेन कारण यह है कि शनि 10 और 11 नंबर का है, तो 10 नंबर 12th हाउस है, 12th हाउस का जो ऑनर है
वो इस घर का रिजल्ट नहीं देता है। अब इसका दूसरा नंबर 11 है शनि, तो ये इसका रिजल्ट देगा, 11 नंबर का रिजल्ट देगा। अब शनि मूल त्रिकोण में है, लग्न त्रिकोण में है, लग्न त्रिकोण मूल त्रिकोण 11 नंबर शनि का मूल त्रिकोण, और द्वादश भाव का रिजल्ट ना देकर के शनि इसका जो बल है इसी में केंद्रित कर दिया। सो ये जो कुंभ लग्न है, आज से द्वापर युग त्रेता युग जो बोल लीजिए, उसमें कुंभ लग्न को सही नहीं माना गया था, अशुभ माना गया था। शनि है लेकिन सत्याचार्य ने, महर्षि सत्याचार्य ने बहुत प्रशंसा की है कुंभ लग्न का, और वाकई कलिकाल में ये बिल्कुल शुभ है। कलिकाल में जिसका शनि नहीं है शुभ, तो बाकी 8 ग्रह आपके बेकार गए। शनि को शुभ होना जरूरी है, और शनि ही कलिकाल में शनि की प्रधानता होती है, ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल्स अदर 8 प्लैनेट्स। अभी जो बात बोल रहा हूँ इसको, इस पर तर्क मत कीजिएगा, समझ लीजिए इसको। बहुत सारे लोग हैं जो व्यर्थ का तर्क करना पसंद करते हैं, आर्गुमेंट नहीं कीजिए, ये सिर ये ऋषियों की वाणी है। तो शनि इसके श्रेष्ठ ग्रह है, हमने लिखा शनि श्रेष्ठ ग्रह है, श्रेष्ठ ग्रह है इसमें, बेस्ट प्लैनेट। दूसरा ग्रह मैंने लिखा हूं शुक्र, और शनि यदि बेस्ट प्लैनेट है तो क्या हो सकता है, आयु लंबी हो सकती है, आयु के स्वामी हैं, आयु के कारक हैं, आयु लंबी हो सकती है, नौकरी अच्छी हो सकती है, जो भी काम करते रहेंगे, शनि नौकरी को भी बोलते हैं, कारक हैं। तो शनि जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, और शनि थोड़ा भी बढ़िया हो और नौकरी करते हैं, तो स्टेप स्टेप उठते उठते ये बहुत ऊंचे पोस्ट पर चले जा सकते हैं, और यदि राहु भी मदद कर दिया तो मिस्टीरियस रूप से पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाएगा। एक छोटे पोस्ट पर आप भर्ती हुए क्लर्क पर, आप देखिए प्रमोशन पाते पाते आप कहाँ उठ के चले गए, इसकी संभावना है। तो ये शनि में जादू है, मिरेकल करने की क्षमता है। दूसरा ग्रह है शुक्र, शुक्र बोलते हैं 7 को, और ये त्रिकोण के मालिक हैं, और फिर खुद अपने त्रिकोण है इनका, शुक्र का त्रिकोण है वो। तो ये त्रिकोण यदि त्रिकोण में पड़ जाए, ऐसा ग्रह ऐसी राशि जो किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण है और वो त्रिकोण में भी आ गया, तो डबल त्रिकोण हो गया, वो बहुत शुद्ध हो गया। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए ये तर्क दे रहा हूं, लेकिन विदाउट क्वेश्चन इवन शुक्र शुभ है इसमें, विदाउट आर्गुमेंट। और केंद्र है यहां, अब चूंकि केंद्र के मालिक है ये शुक्र, तो शुक्र तो शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, तो केंद्र के मालिक होने के कारण उनका शुभता जो है वो खत्म हो गया। नाउ ही इज नो मोर ऑस्पिशियस प्लैनेट, शुभ नहीं है। तो अब हम शुक्र को कैसे जज करेंगे, हम जज करेंगे शुक्र का दूसरे नंबर से, शुक्र का दूसरे नंबर से जज करेंगे कि क्या सही में अशुभ हो गए, या दम है बचा हुआ कुछ, या बहुत दम है। तो शुक्र का दूसरा नंबर तो 7 है, और ये त्रिकोण में आ गए, जो बेस्ट त्रिकोण है, 9th इज द बेस्ट त्रिकोण। इसके बाद लग्न होता है, लग्न त्रिकोण इज द सेकंड बेस्ट, और उसके बाद ये 5th हाउस इज द थर्ड बेस्ट,
लेकिन बेस्ट से नीचे नहीं होते हैं, जान लीजिए। तो कुंभ लग्न में शुक्र भी वेरी वेरी गुड प्लैनेट या एक्सलेंट प्लैनेट है, बेस्ट प्लैनेट नहीं, इनको मैं एक्सलेंट प्लैनेट बोलूँगा शुक्र को। ये शुक्र जो है ये एक्सलेंट प्लैनेट है। तो कुंभ लग्न वालों की कुंडली में यदि शुक्र बढ़िया है और शनि बढ़िया है तो आराम से आप बाकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके प्रेडिक्शंस गलत नहीं होंगे, ये मान के चलिए। हाँ, शनि कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है तो आपकी भाषा लड़खड़ा जाएगी, आपको बहुत दिमाग खटाना पड़ेगा, नक्षत्र सिद्धांत तो देखना ही पड़ेगा, क्लासिफिकेशन बाय स्टार देखना ही है फिर आपको, फिर नवांश में देखना पड़ेगा कि ये शुक्र जो है कहीं भी बैठा हुआ है तो शुभ नवांश में है, देव नवांश में है, अपने नवांश में है, मूल त्रिकोण के नवांश में है, या स्वग्रही नवांश में है, या पुष्कर नवांश में है, वो बहुत कुछ खोजना पड़ेगा फिर आपको। तो ये दोनों ग्रह शुभ होते हैं। कुंभ राशि का जब भी चर्चा आपके दिमाग में हो या देखने लगे तो तुरंत देखिए या पूछिए, शनि कहाँ है जी तुम्हारा और शुक्र कहाँ है, क्या काम करते हो, काम किस चीज का करते हो। इवन टेंथ लॉर्ड को आप थोड़े देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, टेंथ लॉर्ड को, यदि ये आदमी टेंथ लॉर्ड का हिसाब से काम नहीं भी करता है तो शनि के हिसाब से काम करता हो, लोहा बेचता हो, कोयला बेचता हो, सूत बेचता हो, कूट काटता हो, कुछ ऐसे ही जिसमें लंबाई है चौड़ाई मोटाई कम है, ऐसा कुछ भी चीज़ कपड़े हैं ऐसे बेचता हो, तब भी मन मोटे कपड़े, गंदे कपड़े, थिक कपड़े, सॉरी गंदे कपड़े हमने कह दिया, तो अब मान लीजिए कि आदमी ऊपर उठ जाएगा। शुक्र है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ललित कला, म्यूजिक, आर्ट्स, कुछ भी जो शुक्र जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हीरा का व्यवसायी हो तो बहुत ऊपर उठेगा, ये मान लीजिए आप। सो इस दो ग्रहों पर नज़र रखनी है आपको, शनि और शुक्र पर कुंभ लग्न के कुंडली में। अब बाकी चार ग्रह सूरज चंद्रमा मंगल गुरु ये खराब होते हैं, इसमें चार ग्रह खराब हो जाते हैं इसमें। अब ये चार ग्रह में आप देखिए, सूरज सेवंथ लॉर्ड हो गए और लग्न के शत्रु, इसमें एक राइट मिलता है लेकिन ये मार्केस भी हैं और लग्न के शत्रु भी हैं, इसलिए इनको अशुभ कहेंगे। ये न्यूट्रल भी नहीं हुए, सूरज न्यूट्रल भी नहीं होंगे, अशुभ होंगे ये। मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि आपके तर्क शक्ति में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, कारण कि ऋषियों की बनाई हुई चीज है, मेरी नहीं है, इट इज नॉट, ये सब ऋषि रुवाच, यूपी मिश्रा उवाचो वाली बात नहीं है ये। उसके बाद चंद्रमा को देखें, चंद्रमा सिक्स्थ लॉर्ड है, छठे घर के मालिक हैं, त्रिक स्थान के मालिक हैं, 6, 6, 8 और 12 को त्रिक स्थान बोलते हैं, तो ये त्रिक स्थान के मालिक हैं तो ये भी खराब हो गए, तो चंद्रमा यहाँ भी कट गए, अशुभ हो गए। चंद्रमा बलि हो और यदि आप डॉक्टर हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप आर्मी में हो, आप कोई ऐसा फर्म खोले हुए हैं जो लोन देता है, तब तो ठीक है आपका, ये चंद्रमा को तब मैं नहीं काटूंगा, तब मैं कहूंगा कि ये चंद्रमा सही है, चंद्रमा सही है तब मैं कहूंगा, अदरवाइज दिस इज अ कारक। मंगल, मंगल माने 1 और 8, 1 और 8 का मतलब होता है मंगल,
तो एक है थर्ड हाउस में, ये अशुभ हो गए, और आठ केंद्र में है, तो दो राइट। लेकिन इनका मूल त्रिकोण जो अशुभ भाव में पड़ जाता है, ये बहुत भारी पड़ता है कुंभ लग्न वालों को, बहुत भारी पड़ता है। कारण कि ये इनकी बाहें हैं, हाथ है, और मंगल यदि थोड़ा भी मजबूत हो गया तो आदमी दबंग हो जाता है। और वृश्चिक राशि टेंथ हाउस में आया, उसको पानी बोलते हैं, वृश्चिक पानी को बोलते हैं, डंक को बोलते हैं, डंक मारना, दबंगई करना, फोर्सफुली किसी चीज़ को लागू करना, अपने मनमानी कर लेना, इसकी संभावना 99% होती है। मंगल जो है क्रूर ग्रह है, ये सॉफ्ट ग्रह रहता तो न्यूट्रल हो सकता था, लेकिन क्रूर ग्रह होने से ये खराब ग्रह हो गए। मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आप भूमि का काम करते हो, जमीन का काम करते हो, और वो जमीन मिट्टी जो है उसकी गीली रहती है या मॉइस्ट रहती है, या आप नदी के किनारे हो या पोखरा के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, तो उस मिट्टी से आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा रियल इस्टेट जो नदी के किनारे है उससे हो सकता है। देखिए जैसे मूर्तिकार है, शिल्पकार है, क्या वो उसको गीली मिट्टी चाहिए? कुम्हार है, उसको गीली मिट्टी चाहिए? माने लागू करना है तो नीचे से ऊपर तक किसी भी लेवल तक में आप कर सकते हो। तो इस मार्स का उपयोगिता हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये अकारक ही होते हैं। इसमें जो है इनको सेनापति कहा गया है, इसमें उग्रता अधिक होती है, इसलिए इसको शुभ ग्रह भी कहा गया है, लेकिन क्रूर कहा गया है, क्रूएल प्लैनेट, इट इज़ नॉट ए सॉफ्ट प्लैनेट, इसलिए इनको एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है। नाइन्थ हाउस में यदि आपका मंगल है, लग्न में आपका मंगल है, फिफ्थ हाउस में आपका मंगल है, त्रिकोण में शुभ प्लेस में मंगल है, तो बहुधा देखा गया है कि झगड़े झंझट परेशानी मारपीट गोली बंदूक उसमें फंस जाते हैं लोग। फिर गुरु, अब गुरु फिर उपचय के मालिक हैं, मूल त्रिकोण इनका उपचय में आ गया और 12 नंबर मार्केस में भी आ गया, इसलिए मार्केस जब होते हैं तो सबसे पहले यही मार्केस हो जाते हैं। मैंने उस दिन कहा कि 5-6 मार्केस हो और उसमें गुरु भी हो, तो गुरु बोलते हैं आप लोग बैठो आराम करो मैं करूँगा। और ये जब देते हैं तो ऑलमोस्ट फैटल टाइप का होता है, ये सबसे बड़े ग्रह हैं, बहुत भारी ग्रह हैं, इसलिए इनमें जो मार्केस का जो तत्व है ये बहुत अधिक होने के कारण लोग इनको कुंभ लग्न में अकारक मानते हैं। कुंभ लग्न शनि का है, और जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जो ग्रह है वो पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन के नीचे जो ग्रह है वो नेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये गुरु शनि के शत्रु हैं। हमने कल बताया था ना, उस तरह से गुरु लग्न के शत्रु होने के कारण इनको भी हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, आर्गुमेंट मत कीजिए, नोट कर लीजिए, काम आएगा, बहुत काम आएगा, भ्रम में मत पड़िएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमारे उसमें और वो भ्रम पैदा करवाते हैं ये शो करने के लिए कि मैं मिश्रा जिसे ज़्यादा जानता हूँ, आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाइए। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अननेसेसरी वाई यू यूज माई प्लेटफॉर्म? आपको यदि लगता है कि मिश्रा जी गलत बोलते हैं तो आप हट जाओ। मैं बार बार बोलता हूँ ये सब ऋषियों की वाणी है, ऋषिरुवाच, ऋषियों की भाषा। अब पुराने ग्रंथों को पढ़ो ना, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। मेरे ऐसा राइटर तो मिल जाएंगे बहुत जिन्होंने किताब लिखी है, तो थोड़ी होगा कि मैं अथॉरिटी हूँ। 10,000 साल के बाद भी जो लोग हमारी किताब पढ़ेंगे तो बोलेंगे 10,000 साल पुरानी किताब है, एकदम अथॉरिटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
ऋषि लोग जो किताब लिखे हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, वो अथॉरिटी है। बुद्ध को देखिए, ये अष्टमेश है यहाँ, अब दूसरा नंबर इनका तीन में है, त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण है ये। अब बुद्ध को ऋषियों ने रखा है न्यूट्रल, जैसे भी रखा हो, मेरा आर्गुमेंट चले तो ये अशुभ है, लेकिन ऋषियों ने इनको शुभ रखा है। हो सकता है ये आयु की वृद्धि करते हो या और भी कुछ इनके अंदर में दम हो जिनके कारण इनको न्यूट्रल रखा हुआ है, कारण कि त्रिकोण के मालिक होने के कारण इनके अंदर में बहुत दम है। अब दम कैसा है, मान लिया कि त्रिकोण के मालिक हैं और मृत्यु के मालिक हैं और बुद्ध यहाँ पर हैं किसी का, तो उस आदमी को ज्ञान है, बुद्ध माने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ज्ञान है, मृत्यु का ज्ञान है, रोग का ज्ञान है, एंड ही इज ए क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ही इज अ बेस्ट डॉक्टर। तो बहुत सारे आर्गुमेंट हैं जो इसके फॉर्म में बोले जा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूट्रल मान के चलिए, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, जो ज़्यादा हानि कर सकते हैं। तो ये कुंभ लग्न की हुई, कुंभ लग्न कलयुग में कुंभ लग्न वाले जनरली सुखी पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि आपको यश ना मिलेगा, पाँच नंबर सेवंथ हाउस में है, यश नहीं मिलेगा, पार्टनर धोखा देंगे, पत्नी भी आपको कष्ट देंगे, राजपूत धोखा देंगे आपको, और आपके जब पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं तो फंडामेंटल्स कमज़ोर रहता है उनका, बिना समझे रट लेते हैं बहुत सारा चीज़, ए प्लस बी होली स्क्वायर क्यों होता है, रटे हुआ चीज़ आंसर बता देंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ग्राफ में बताओ कैसे होता है, तो फंडामेंटल मालूम नहीं है। एक तीन, एक लाइन तीन का दिया, एक लाइन चार का दिया, और इन दोनों को इस होल स्क्वायर कर दिया, तो कैसे बच्चा निकलेगा इसमें, ट्वाइस ए बी वगैरह वगैरह, गुना से तो निकल जाएगा लेकिन ग्राफिक्स से कैसे आप समझाओगे। तो ये फंडामेंटल समझने वाले लोग ये नहीं है कुंभ के, बट दे आर इंटेलिजेंट बिकॉज ये बुद्ध जो है ये मृत्यु के घर में है, और मृत्यु को रहस्य बोलते हैं, मृत्यु को समझना कठिन है, मृत्यु को रहस्य बोलते हैं। तो ये बुद्ध जो लोग हैं ये आत्मा की खोज करते हैं, मृत्यु का रहस्य जानते हैं, यदि को डॉक्टर हो तो इनके हाथ से जल्दी पेशेंट नहीं मरेगा, और यदि ये साइंटिस्ट हैं तो कुछ भी खोज के निकाल लाएंगे, इनमें क्षमता रहेगी। और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो कितना भी पुराना केस हो, लिटिगेशन वाला केस है, इससे उस व्यक्ति को उबार के निकाल देंगे। तो ये उपयोग के ऊपर में सारी चीजें निर्भर करती है। अब एक मिनट थोड़ा रब करने के लिए लो, नहीं रखा हूं मैं अपने पास। और मीन, मीन इसके स्वामी तो गुरु होते हैं, लेकिन ये उनका 25% वाला हिस्सा है। गुरु का मतलब होता है 9 और 12, ये 75% और ये 25%, दोनों को जोड़ दीजिए तो 100% हो गए गुरु। अब ये गुरु लग्नेश है तो ये शुभ होने चाहिए कायदन से,
गुरु शुभ होने चाहिए, लेकिन 9 नंबर इनका यहां है और 2 केंद्र के मालिक हो गए ये। 2 केंद्र के मालिक होने से हम लोग को फिर वर्कआउट करना पड़ेगा। इस केंद्र के मालिक है तो उनकी शुभता खत्म हो गई, इज नो मोर शुभ। अब दूसरा नंबर है, ये भी केंद्र के ही मालिक है, तो बचा खुचा जो शुभता थी जो खो गई थी वो भी खत्म होकर के गुरु अशुभ हो गए। गुरु को हम लोग यहां पर अशुभ मान सकते हैं, मीन राशि में गुरु को अशुभ मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 केंद्र के मालिक होने के कारण और यहां पर मूल त्रिकोण इनका पड़ता है 75%, तो इनको न्यूट्रल कहा गया है। गुरु को ऋषियों ने इनको न्यूट्रल माना है, गुरु इज न्यूट्रल। अब इसमें मंगल मूल त्रिकोण के मालिक है, यहां इसमें चंद्रमा और मंगल शुभ होते हैं। चंद्रमा इस त्रिकोण के मालिक हैं इसलिए शुभ हो गए, मंगल इस त्रिकोण के मालिक हैं इसलिए शुभ हो गए, या व्यस्त त्रिकोण के मालिक हैं इसलिए शुभ हो गए। लेकिन इनमें मार्केश का तत्व भी रहा, मार्केश का तत्व भी रहा। अब देखिए ये वृश्चिक राशि इज अ वाटर, एक और 8, दिस इज वाटर एंड दिस इज ड्राई फायर एंड दिस इज मार्केश। तो 1 नंबर मार्केश है और मंगल यहां पर है, तो लिक्विड फायर। अब ये लिक्विड फायर बहुत डेंजरस हो जाएगा इनका, इसमें मीन में देखिए हमारे घर में लिक्विड फायर क्या है, जो गैस सिलेंडर है वो लिक्विड फायर ही है, उसमें लिक्विड रहता है उसी से गैस बनता है और फायर आता है। तो इस मंगल को फिर भी शुभ माना गया है, ऋषियों ने शुभ माना है, और ये धन दे सकते हैं, रियल इस्टेट दे सकते हैं, भूमि भवन दे सकते हैं। मैथ इसका, इस बंदे का मैथ टॉप क्लास का होगा। यदि मंगल थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा भी अच्छा है, तो मैथ बढ़िया है, फिजिक्स बढ़िया है और इनका केमिस्ट्री बढ़िया है। इस बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुधा मीन लग के बच्चों के ये एकदम ठीक होते हैं, साइंस लेके आगे बढ़ते हैं बच्चे। और शुक्र को देखें तो शुक्र का मूल त्रिकोण 7 है और ये मृत्यु के घर में आ गया, और ये 2 नंबर भी उपचय में आ गया। तो मीन लग्न में शुक्र जो है ये खराब ग्रह हो गए। मीन लग्न में यदि शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाए तो कभी कभी डर लगता है, कारण कि स्ट्रांग ग्रह शुभ हो जाते हैं, लेकिन इसमें मृत्यु का योग अधिक रहता है और ये पर्सनैलिटी का है और ये छोटे भाई का घर है, छोटा भाई या बहन का है। तो यदि शुक्र थोड़ा भी कमजोर है तो नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर हिम मे नॉट सर्वाइव, या मम्मी के पेट में ही गर्भ की मृत्यु हो गई हो। ये व्यक्ति है, ये इससे छोटा भाई या बहन है और ये मृत्यु से जुड़ा हुआ है 75%, ये भी अशुभ है। तो शुक्र थोड़ा भी यदि ढीला है, अशुभ है,
उस पर एक दो पाप ग्रह का दृष्टि पड़ गया तो या तो गर्भ नष्ट हो गया है, चेक कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं। कारण कि महिलाएं या जो भी हो तुरंत बोलेंगे ना 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 सब कुछ नहीं, सेकंड मंथ में जल्दी पता नहीं चलता है। सेकंड मंथ का जो 15 दिन के बाद वाला समय है, यदि उसमें कुछ होता है तो पता चलता है, लेकिन पहला 15 दिन में जल्दी पता नहीं चलता है। तो शुक्र भी यहाँ खराब हो गए, उसके बाद बच्चे बुध। बुध भी दो केंद्र के मालिक हैं, इसके मालिक होने के कारण बुध में जो बुध को शुभ ग्रह बोलते हैं, तीन ही शुभ ग्रह है, गुरु शुक्र और बुध। तो बुध शुभ ग्रह है तो इनकी शुभता खत्म हो गई, बुध जो हैं इनकी शुभता खत्म हो गई। और फिर इनका दूसरा नंबर यहां पर है, तो यहां ये मार्केस भी है और दूसरे केंद्र के मालिक होने के कारण जो बचा खुचा सुविधा था वो भी खत्म हो गया। सॉरी, हमने राइट चिन्ह दिया। तो ये मार्केस भी हैं, केंद्रेश भी हैं और लंबे समय तक चलने वाले रोग दे सकते हैं। तो क्या रोग देंगे? तीन नंबर है तो कंठ में रोग देंगे, थायराइड तो जरूर खराब रहेगा, पक्की बात। बुध थोड़ा भी अशुभ है तो थायराइड खराब है। और छः नंबर बोलते हैं कमर को, इस पोर्शन को बोलते हैं जहाँ पर रीढ़ खत्म होती है। तो जहाँ रीढ़ खत्म होती है उसका जो पहला या दूसरा चेन है, दो चेन, चेन ऑफ बोन्स, वो भी कमज़ोर है। वो कमज़ोर है इसलिए कि वो भी मार्केस है। यदि कोई पेंसिल कुछ गिर गया और आप उठाते हो झोंक में और यहाँ कुछ कष्ट आ गया तो समझ लो कि वो जल्दी नहीं छूटेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। कोई डॉक्टर इस धरती पर नहीं है जो उसको क्योर कर सकेगा, यू विल हैव टू सफ़र। आप जिम में नहीं जा सकते हो कि बस ऐसा उठाऊंगा, आप जिम में नहीं कर सकते हो। मील लगने वाले सावधान रहिए, दूसरे को देख करके मत जाइए जिम, जाइए तो ये उठाने वाली झुकने वाली चीज़ है ना, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, बाकी सारा काम कीजिए। झुक के कोई भी चीज़ उठाने वाला काम ना करेंगे। जिनका मीन लग्न है या मीन राशि है, प्लीज़ नोट इट। तो अब तो कोई ग्रह बचा नहीं, चंद्रमा खराब ही हैं, सूरज को भी हमने दे दिया कि ये भी खराब ही माने जाएंगे। तो यदि इसमें कोई ग्रह न्यूट्रल हो सकता है, मेरे मत से यदि कोई न्यूट्रल हो सकता है तो सूरज को ही हम लोग रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऋषियों ने जो माना है, ये उनके मानने का औचित्य है अपना, गुरु को न्यूट्रल माना है, गुरु को न्यूट्रल माना है, इसमें न्यूट्रल गुरु है, हमने पहले ही लिखा है। लेकिन गुरु को शुभ होना चाहिए, उस पर शुभ दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे गुरु पर यदि अशुभ दृष्टि पड़ गई, पाप दृष्टि पड़ गई, क्रूएल दृष्टि पड़ गई तो दिक्कत हो जाता है। आप अपने रिकॉर्ड में इनको न्यूट्रल ही मान करके रखिए। 12 ग्रह में जो मैंने बताया है तो मीन लग्न में जो होगा उसको गुरु को न्यूट्रल ही मान के चलिए। तो एवं प्रकार है ना, ये जो सारे लग्न हैं उस लग्न में ग्रहों की क्या महत्ता है, अच्छे हैं, बुरे हैं, न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि धनु लग्न को मैं अच्छा मानता हूँ, उसी तरह से मैं कुंभ लग्न को भी बहुत बढ़िया मानता हूँ। जिनका कुंभ लग्न है, बहुत माने में आप लकी हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अनायास मिल सकता है। आपके जीवन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा माने उत्तरार्ध, सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ इज टॉप क्लास। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ कैन बी स्टैगर्ड, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप झेलते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सेकंड पार्ट में आप पूरा सुख भोगोगे, ये सनी गारंटी देते हैं आपको।
और कहा कि आपके जो ईश्वर होंगे वो अग्नि देवता होंगे, आग होंगे, जिनमें पूरा ही आग है, और जो नदी में है वृश्चिक राशि। तो ये शंकर भगवान है जिनके जटाओं से गंगा निकल रही है, बिच्छे सांप बिच्छे शरीर में लिपटे हुए हैं, अग्नि अधिक है, त्रिनेत्र भी है, कंठ में भी हलाहल है। तो भगवान शंकर जो ध्यान मुद्रा में है, जटा से गंगा प्रवाहित हो रही है, भस्म लगा हुआ है, किसी कारण बस इस सब बातें बोल रहा हूँ, सबके लॉजिक हैं। और नीलकंठ या विष दिखता है, ऐसे भगवान कुंभ राशि वालों के भगवान हो सकते हैं, हो सकते हैं, होंगे तो ये तो बिना पूरी कुंडली देखे नहीं समझा जा सकता है, कारण कि निर्भर करता है कि मंगल कहाँ है। मंगल यदि यहाँ पर है तो हाँ सही है, मीन में है तो थोड़ा डाउट है, नहीं ये तो मीन तो फीमेल राशि भी हो जाती है, तो स्त्री भी हो सकते हैं आपके डेटी। तो हर चीज़ को एक लॉजिक से नापिए, लॉजिक से नाप करके आगे बढ़िए। मैंने आपको नक्षत्र सिद्धांत बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट बाय ऑनरशिप भी बता दिया। एक छोटा छोटा नोट बना लीजिए, नक्षत्र सिद्धांत की एक कॉपी रखिए और राशि सिद्धांत की एक कॉपी रखिए, और बहुत सारे छोटे छोटे बात जो मैं बोलता हूँ टिप्स टाइप का, उसको नोट जरूर कर लीजिए, कारण कि यही आगे आपका स्टेप्स होगा आगे बढ़ने का। जैसे ये कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न है, कुंभ क्या है, वायु है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कुंभ माने खंभा जो हवा में है, पिलर मकान हाइट, तो लग्न ही कुंभ का है, तो आदमी तो लंबा है, आदमी लंबा है, और 11 नंबर पैर को बोलते हैं, तो उसके पैर लंबे हैं। ये तो कॉमन सेंस से हम लोग पकड़ सकते हैं, ये साधारण लॉजिक है ये। और कुंभ लग्न के 7th हाउस में सिंह है, 5 नंबर है, तो पार्टनर इसको कभी नहीं सूट करेंगे। यदि पार्टनर सूट करेंगे तो वो हावी हो जाएगा इनके ऊपर में, पर हस्तगतम धनम, दूसरे लोग आपका धन ले जाएंगे। यदि आप सिंह लग्न वाले के साथ आप पार्टनरशिप बनाते हो और उसकी कुंडली में बहुत दम है, आपकी कुंडली थोड़ी निर्बल है, तो आपका धन खींच करके उसके पास चला जाएगा, पर हस्तगतम धनम। तो बहुत कुछ तो आप ऐसे ही अंदाज लगा सकते हैं, नक्षत्र सिद्धांत, नवांश कुंडली, फिर दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली जरूर देखना चाहिए, दशमांश कुंडली में यदि जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है वो यदि 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है तो दुखद होगा, वो पूरी दशा दुखद होगी आपकी, कष्ट देता रहेगा। जो दशमांश कुंडली में जो ग्रह खराब हैं, निर्बल हैं, नीच हैं, पापक ग्रस्त हैं, सूरज के कारण अस्त हैं, तो उन लोगों की दशा आपको खराब जाएगी, और मतलब आपके नौकरी में व्यवधान होगा, बिजनेस में व्यवधान होगा, सक्सेस रेट बहुत कम होगा, आप रगड़ रगड़ के आगे बढ़ोगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इतनी दूर तक तो आपको ज़रूर देखनी है, और फिर बाकी जो हमने कहा वर्ग कुंडली की जो चीज़ें होती हैं वो सभी, और जो मैं बताता जाता हूँ नोट कीजिए। लोगों से भ्रमित मत होइए, बहुत सारे विद्वान हमारे चैनल में टांग घुसाते ही हैं, तो उनके शब्दों से भ्रमित मत होइए, कारण कि वो लोग विद्वान हैं, अपना तर्क दे करके बहुत सब चीज़ बोलते रहते हैं। हम और आप एक सामान्य पुरुष हैं, और जो चीज़ ईश्वर ने लिखा है उसको ही ढूंढना है प्रेम से,
पहले तो ढूंढेंगे ईश्वर कहाँ है। मीन में तो यही बात है, भगवान शंकर है। और यदि कुंभ लग्न है तो यहां से 7, 8, 9 तुला नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे, फीमेल प्लैनेट। सो संभव है आपकी जो डेटी हैं वो राशियों के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन दुर्गा जी भी हो सकती हैं, ऐसी विशाल देवी जो सबसे बड़ी हैं, सबसे शक्तिमान हैं, सबसे ताकतवर हैं, जो विशाल हैं, जो बहुत सुंदरी हैं, जो अपरूपा हैं। शुक्र यदि किसी लड़की के कुंडली में शुक्र हो, तुला का शुक्र हो, तो लड़की अपरूप सुंदरी है, उसमें कोई संदेह है नात्र किंचित संदेह। और यदि किसी का तुला का शुक्र सेकंड हाउस में है तो लड़की बातूनी जरूर है, लेकिन उसके बात में बहुत दम है, संगीत बहुत बढ़िया जानती है, शास्त्रीय संगीत से लेकर के सुगम संगीत तक उसके पास है, कला क्षेत्र में वो बहुत प्रसिद्धि होगी। यदि ऐसी कोई नायिका है फिल्म जगत की, यदि कोई नायिका है और तुला लग्न और तुला राशि सेकंड हाउस में है तो यू कैन गो अप। तो ये सब चीज़ आप अपने से जोड़ जोड़ करके भी कुछ बनाइए, कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ समझिए। सबसे बढ़िया होता है अपने ऊपर, अपने परिवार के जनों के ऊपर में, जानकार जो लोग हैं उनका, उनकी कुंडली बना करके एग्जाम्पल के रूप में रखिए कि यहाँ पर ये है ये है, लेकिन रिजल्ट ये हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने में समझने में थोड़ी आसानी होगी। आज ये तो ख़त्म हो गया, कल देखता हूँ। बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं कि राशिफल नहीं बोला जा रहा है, तो देखता हूँ कल एक दो दिन राशिफल बोलूँगा, उसके बाद कोई लंबे ग्रह के बारे में बताऊँगा। लंबे ग्रह के बारे में बताने में दिक्कत क्या होता है कि राशिफल वाले हल्ला करने लगते हैं, लेकिन मैं जो राशिफल बोलता हूँ ना उसमें भी कुछ छुपा रहता है, टिप्स ज़रूर छुपा रहता है। कारण कि राशिफल बोलिए या जन्म कुंडली बांचिए, दोनों तो एक ही है, दोनों एक है। एक आप चंद्रमा से देख रहे हो, एक आप लगन से देख रहे हो। तो चंद्रमा से मन मेंटली, यदि चंद्रमा घिरा हुआ है पापक ग्रह से तो उसका मन डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, अज्ञात भय से 24 घंटा ग्रसित है। आपके परिवार में कोई आदमी ऐसे हैं तो आप उनको धुतकार नहीं सकते हो, डांट नहीं सकते हो, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा सकते हो, उनको नहीं बता सकते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आप श्रेष्ठ नहीं हो। बहुत 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 गब्बर सिंह के भाषा में बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। हल्की भाषा में बात कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा समझ पाइए। हर घर में ये चीज़ होती है, हर घर में कोई न कोई एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा त्रास पाता है, उसको ही ज़्यादा सताया जाता है। और आजकल के दुनिया में तो विवाहता तो सबसे ज़्यादा कष्ट में रहती हैं। पहले तो लव मैरिज कर लिया, फंस गए, कुंडली दिखाई नहीं, मिलाई नहीं, समझे नहीं, उसके मन को नहीं समझा, उसके शरीर को नहीं समझा, उसके और लोगों को नहीं समझा, तो आप फंस गए। और उसके बाद यदि आप उन लोगों के मर्जी के हिसाब से नहीं चले टेढ़े मेढ़े रास्ते से, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर यहीं पर काम आते हैं, यहीं पर एस्ट्रोलॉजर काम आते हैं, यहीं पर समाज में आपकी भूमिका है, यही भूमिका है। बहुत सारी बात है, आज कोई आए थे उनके बारे में बोलूँगा तो यदि कुंडली देख रहे हैं तो उनको बहुत दुख होगा, लेकिन मैंने धिक्कारा बहुत उनको। उनके घर में मृत्यु का रेट बहुत हाई हो गया। इवन एक बीटेक मैनेजमेंट किया हुआ लड़का भी मर गया, यंग लड़का।
तो उनके घर में बहुत सारे इस तरह से मृत्यु होती रही, लेकिन उनको समझ में नहीं है, उनको पूजा पाठ करने से भी मतलब नहीं है, भगवान से भी मतलब नहीं। क्या कहा जाए, यहीं पर हम लोग काम आते हैं। अब उनके कोई अच्छे मित्र रहते जो एस्ट्रोलॉजी जानते थोड़ा भी जानते, तो उनको बतलाते, लो यार तेरे को इतना तकलीफ हो रहा, देखो कहाँ दिक्कत है। कारण कि जो एक आदमी ईश्वर के ऊपर में आश्रित नहीं है तो निराश्रित है, चाहे मन से हो, शरीर से हो, बुद्धि से हो, उसके पास एक ही धन, फाइनेंस, मेरे पास पैसा होना चाहिए, बाकी मैं सब समझ लूँगा। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। और जनमानस को मैं बराबर बोलता हूँ कि देखिए, ये अब एक सिस्टम देखिए, ऋषियों ने जो बनाया है उसका एक सिस्टम देखिए, जैसे महादेव जी हैं, तो मान लिया कोई ग्रह यहाँ पर 12 नंबर है तो शुक्र उच्च होते हैं यहाँ पर, बारह के बाद एक, फिर दो स्वग्रही हैं यहाँ, तीन, चार शुक्र, एक दो तीन चार पांच और छः, ये वाला लाइन। अब यहां से उच्च से ये घटे, एक दो तीन चार पांच छः, तो छः को आप यदि 100 को 6 से भागा दे दीजिए तो कितना होगा? आप हिसाब, मैं हिसाब समझाना चाहता हूँ, इसको 100 को भागा दूंगा तो 6 बच्चा 4 0 छछा के 36 66% यहाँ पर 66% है, लेकिन ये गिर कितना रहा है? यहाँ और गिरे, यहाँ पर स्वग्रही रहे, ये ठीक है, यहाँ पर स्थापित रह गए, यहाँ पर स्टैंड कर गए ये, लेकिन यहाँ से फिर 3 में आए, ये भी इनके लायक नहीं है, 4 में आए एकदम लायक नहीं है, 5 में आए एकदम नहीं रहे, और यहाँ पर आए तो 100% माइनस हो गए। शुक्र 6 नंबर में शुक्र माइनस होता है। अब आप देखिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको मिलाइए आप कहीं। कोई आदमी है जो अपने उच्च शिखर पर पहुंचा होगा, एक कुल उसके बाद वाला कुल गिर गया, नेक्स्ट जनरेशन उसका थोड़ा सा किसी तरह से स्टैंड किया कि अपनी इज्जत बचाए, उसके बाद से वो गिरता चला गया, तो यहां से एक जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे जनरेशन में तो वो भिखारी हो जाएगा। मान लिया कि यहां पर ये सब है, लेकिन अब ढूंढने से किताबों में नहीं मिलेगा। मान लिया ये 9 है यहां, तो ये 10 है, डाउनफॉल हो रहा है ना। तो धनु लगने के कोई राजा रहे होंगे या बड़े आदमी रहे होंगे, उनका सेकंड जनरेशन ही हार गया या कुछ किसी भी तरह से वो गिर गया, निगेटिव हो गया, -100%। और फिर उनका उसके बाद वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है ये भी उनके काम के लायक नहीं रहा। इस जनरेशन में
1 2 3 यहाँ जा कर के थोड़ा सा ये 12 नंबर में ये थोड़ा स्टैंड किया। ओके अब यदि जानते हो कुछ लोगों को तो आप पता लगाओ, देखो आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। दशा अंतर दशा में भी ये रूल फॉलो होता है, दशा अंतर दशा बोलने में भी ये रूल फॉलो होता है। जैसे कि मान लिया किसी का जन्म चंद्र महादशा में हुआ है तो पहला दशा हुआ, दूसरा दशा क्या होगा? मंगल का होगा। मंगल जो है सेकंड हाउस इज अ मार्केस, तो मंगल का जो 7 साल है वो कठिन होगा और उसमें कभी एक ऐसा मोमेंट भी आ सकता है कि यदि आदमी का शरीर ठीक नहीं है, बच्चे का शरीर ठीक नहीं है, तो चंद्र दशा के बाद मंगल बहुत हैरान कर सकता है उसको। तीसरी दशा फिर ठीक जाएगी, चौथी दशा मंगल के बाद राहु ठीक जाएगी, राहु के बाद गुरु उसका ठीक नहीं जाएगा। ये सब बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको सिर्फ आगे परिचय के लिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। सिस्टम है। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्ञे जोहार।